सो गाइस, अगर आपका बजट है 18,000 रुपए और उसमें आप एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने बेस्ट 4 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनके अंदर आपको बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको पावरफुल चिपसेट मिल जाता है जिसमें आप काफी अच्छी लेवल की गेमिंग कर पाएंगे, एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz के स्मूथ डिस्प्ले के साथ। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाला हूँ। तो आपके बजट और अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि ओप्पो की तरफ से एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन बताओ, तो यहाँ पे आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है वो है ओप्पो F19 Pro Plus 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस, यहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड भाई, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 7.8mm की थिकनेस है, यानी काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है। एंड 173g का ये स्मार्टफोन है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.43 inches की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलता है नॉर्मल 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। एंड कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48MP का है एंड इसके फ्रंट में 16MP की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिल जाती है और आपको पता है ओप्पो की जो कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन होते हैं इस बजट के अंदर काफी डिसेंट कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U वाला चिपसेट है, तो काफी पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पे आप काफी अच्छी लेवल की गेमिंग कर पाएंगे एंड 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा भाई, यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। एंड इसके अलावा इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 4310mAh की बैटरी है एंड 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है जो की इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 18,000 रुपये के अंदर। तो गाइस, अगर आपको ओप्पो की तरफ से एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड ओवरऑल सा काफी डिसेंट स्मार्टफोन है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपका जो तीसरे नंबर वाला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन है, तो काफी डिसेंट स्मार्टफोन है। बैक में भाई, यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 9.4mm की थिकनेस है, यानी काफी भारी सा स्मार्टफोन है एंड 215g का ये स्मार्टफोन है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.6 inches की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक TFT डिस्प्ले, 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी ओके है, कलर वगैरह यहाँ पे आपको ओके टाइप आ जाते हैं। एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50MP का है, 8MP की सेल्फी है एंड इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, डे लाइट के अंदर काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। एंड इसके सैमसंग के कैमरा के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फिल्टर्स एंड काफी अच्छे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट कैमरा क्वालिटी यहाँ पे आपको डिजिटल लेवल की मिलती है। एंड इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सैमसंग का एग्जनोस 1280 वाला चिपसेट है। तो भाई, यहाँ पे आपको डेली यूज के लिए स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लियर बता देता हूँ, हैवी गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में नहीं कर पाएंगे। 12 से 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप 8GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। एंड इसके अलावा बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 6000mAh की बैटरी है, 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई, इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 18,499 रुपये में एंड 6GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 17,000 रुपये के अंदर। तो गाइस, ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको एक सैमसंग का एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को सजेस्ट कर सकता हूं। बट आप अपना बजट बढ़ा के और भी स्मार्टफोन है उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन है वो है Realme 10 Pro, काफी डिसेंट स्मार्टफोन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, काफी अच्छी डिजाइन वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको जो डिजाइन है ना वो काफी प्यारी देखने को मिलती है। एंड इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट ही एंड्रॉइड 13 पर रन करता है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8.1 mm की थिकनेस है, यानी काफी पतला स्मार्टफोन है, 190 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो भाई 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि एक आईपीएल सीडी पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस वगैरह है वो ओके टाइप देखने को मिलती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी ओके है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। तो ये इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाती है, डे लाइट के अंदर इंडोर हो आउटडोर हो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाता है। तो नो डाउट कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है, तो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पर आपको 7 से 8 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 8 GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। एंड इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 5000 mAh की बैटरी, 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। अब भाई सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 8 GB रैम 128 GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 20,000 रुपये के अंदर एंड 6 GB रैम 128 GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 19,000 रुपये के अंदर। और बैंक वगैरह ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन आपको 18,000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। तो गाइस अगर आप रियलमी की तरफ से एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा इस बजट के अंदर, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो पहली नंबर वाला स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको एक बेस्ट कैमरा सेंटर के साथ साथ एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। क्लीन इंटरफेस चाहिए, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। एंड भाई 7.99 mm की थिकनेस है, यानी काफ़ी पतला स्मार्टफोन है एंड 173 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, यानी इसमें जितने भी मैंने स्मार्टफोन ऐड करें इस लिस्ट के अंदर उनमें सबसे हल्का ये स्मार्टफोन है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक पीओलेड डिस्प्ले है, जिसके साथ आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, आईपीएल सीडी से काफी बेटर यहाँ पर आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं। कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 MP का है एंड 16 MP की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे। तो इमेज क्वालिटी डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसके कैमरे के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके के स्टिकर्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, तो एडिट वगैरह करके जो काफ़ी अच्छा फोटो निकल के आता है। एंड यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है, तो जो कि 13 5G के बैंड को सपोर्ट करता है। तो भाई इस बजट के अंदर काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। एंड 5000 mAh की बैटरी है, 30 W की ट्रूवो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 6 GB रैम 128 GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 19,000 रुपये के अंदर और बैंक वगैरह ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन आपको पड़ जाता है ओनली 18,000 रुपये के अंदर। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन जो कि आपको 18,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मोटो G82 जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। क्लीन इंटरफेस है, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड ओवरऑल काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। अगर आप एक Realme की तरफ से एक बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो अभी ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आप ले सकते हैं Realme 10 Pro जो कि काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। तो Samsung के स्मार्टफोन में आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के Samsung Galaxy M52 ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेटर ऑप्शन है। तो इस स्मार्टफोन को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा।
तो गाइस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।